भाई साहब, किसी ने नहीं सोचा था कि आदि पुरुष के बाद कल की मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतना कलेक्शन करेगी। लेकिन भाई इस मूवी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। लेकिन इधर हम लोग बिजी थे कल की मूवी और मिर्जापुर सीजन 3 में, उधर साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने चुपके से प्रभास का बाहुबली वाला कमबैक भी करा दिया। मैं बात कर रहा हूँ कनप्पा की, जिसका 100 सेकंड का एक छोटा सा टीजर आउट हो चुका है। लेकिन टीजर से मतलब है किसको? भाई लोग तो अक्षय कुमार और प्रभास को ही ढूंढेंगे। भाई टीजर चाहे जैसा हो, लेकिन साउथ मूवीज का टॉपिक सिलेक्शन एकदम टॉप लेवल का होता है। मूवी की स्टोरी में एक बंदा अपनी आंख भगवान शिवजी को दान कर देता है, जिसको दुनिया का सबसे फर्स्ट आई डोनर भी बोला जाता है। जो बात सुनने में इतनी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट लग रही है, सोचो उस पर 3 घंटे की फिल्म बनाना गजब का टॉपिक पकड़ा है कनप्पा की टीम ने। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और एक्चुअली में इसके बारे में काफी लोग जानते भी है। इसीलिए जब फिल्म का टीजर आया तो नॉर्थ वाली ऑडियंस सच में शॉक्ड रह गई। और ज्यादा चौंकना मत अगर फिल्म साउथ के कंपैरिजन में नॉर्थ थिएटर्स में ज्यादा कलेक्शन कर जाए। इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है। कार्तिकेय 2 हो या हनुमान, इन सब मूवी का बजट नहीं देखते, सिर्फ फिल्म का टॉपिक काफी होता है थिएटर में हाउसफुल बोर्ड्स लगाने के लिए। कनप्पा भी उस रास्ते पर जा सकती है अगर फ्यूचर में फिल्म का आने वाला ट्रेलर उस टीजर के कंपैरिजन में थोड़ा सा सीरियस और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। प्रभास और अक्षय एक साइड, लेकिन हम जानते हैं कि मूवी का टीजर फिलहाल उतना परफेक्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा टीजर सिर्फ एक गार्डन में शूट कर लिया हो। मूवी का बजट सिर्फ 100 करोड़ हो, लेकिन मूवी के अंदर विजुअल इफेक्ट्स का मेन इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन सब इग्नोर हो गया जब अक्षय कुमार का ग्लिम्स दिखाया गया एज ए लॉर्ड शिवा। वो OMG 2 वाले बेस्ट मोमेंट्स एकदम से याद आ गए। और पूरे प्रभास नहीं, सिर्फ उनकी आंखें ही काफी है मूवी का हाइप बनाने के लिए। अभी देखो, फुल लुक तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है टीम कनप्पा ने सॉलिड इंस्पिरेशन लिया है प्रभास के बाहुबली वाले अवतार से। काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं जब कनप्पा की स्टोरी भगवान शिव जी के अराउंड घूमती है। और अगर अक्षय कुमार ही भगवान शिव जी है तो फिर प्रभास क्या कर रहे हैं? मूवी के मेकर्स अपनी फिल्म में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिखाने वाले हैं। और सॉलिड चांसेस है कि प्रभास लॉर्ड विष्णु का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म में। जो एक्चुअली में कनप्पा से मिलने आएंगे भगवान शिव का भक्त बनके, तो बस प्रभास को वही लॉर्ड शिवा के डिवोटी की तरह इंट्रोडक्शन होने वाला है कनप्पा में, जबकि बाद में फिल्म के अंदर ये अपने असली रूप में आ जाएंगे। वैसे इन दोनों एक्टर्स के बीच में आपने तीसरा कैमियो पूरी तरह से मिस कर दिया, द लीजेंड मोहनलाल सर का। वैसे मेरे हिसाब से तो ये भगवान ब्रह्मा के रूप में नजर आएंगे, लेकिन टीजर में इनका ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ और ही बोल रहा है। फिल्म का वो वाला मोमेंट सबसे स्पेशल होगा जब ये तीनों एक्ट्रेस एक साथ त्रिमूर्ति वाले लुक में प्रेजेंट किए जाएंगे। टीजर के लास्ट सीन में एक डायलॉग है जिसमें डायरेक्टली भगवान शिव को बुलाया गया है। इतना इंपॉर्टेंट सीन है शिव और कनप्पा का कनेक्शन दिखाना है, लेकिन वहाँ तो डायलॉग डिलीवरी सीरियस कम और फनी ज्यादा लग रही है। पूरा मूड ही खराब करके रख दिया। भाई अभी तो ये टीजर है, ट्रेलर का वेट करते हैं। लेकिन अभी कनप्पा के पास मौका तो है, चौका लगेगा या फिर हिट विकेट, वो देखना पड़ेगा। वैसे तुम किसको पसंद करते हो, प्रभास या अक्षय कुमार, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और मूवी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।